तीन महीने की कमाई 1 करोड़ आप लोगों को मिलेगी, 3 महीने की सैलरी 5 लाख रुपए आप लोगों को मिलेगी। अगर आपका माल सेल नहीं होता है जो यहाँ पे दिख रहा है तो कंपनी वापस लेगी। इसी के साथ में 78 साल तक आप लोगों को कंपनी सैलरी देगी। माल भी कंपनी सेल खुद से करवाएगी, आपको खुद से बेचने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में आपको कुछ नहीं करना, अपने बंदे को रोड साइड खड़ा करना है। नॉर्मली कोई भी व्हीकल लेके खड़ा कर सकते हो, व्हीकल नहीं है तो नॉर्मली किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ा कर सकते हो और वहीं से आप लोगों की इस प्रोडक्ट से लाखों रुपए की कमाई होने वाली है। ओपन चैलेंज के साथ में, गारंटी के साथ में आपके साथ में ये कंपनी खड़ी हुई है और आप लोगों को बताएगी क्या बिजनेस है और इतनी कमाई आप लोग कैसे कर सकते हो। सोचने की बात है, 5 लाख रुपए आपको 3 महीने की सैलरी कंपनी दे रही है। और अगर आप बिजनेस को करते हो 1 करोड़ रुपए तक आप कमाई भी कर सकते हो। अगर आप इसके लिए 5 लाख के अंदर 3 महीने में कितने बंदों को रख सकते हो, आप 10 रख सकते हो, 20 रख सकते हो, 50 बंदे भी आप रख सकते हो, तो सोचो आप कितनी कमाई इस बिजनेस से कर पाएंगे। गारंटी के साथ में एशिया की सबसे बड़ी यूनियन के अंदर कंपनी ने लाइव डेमो कराया। एशिया की सबसे बड़ी, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया की सबसे बड़ी यूनियन में कंपनी ने लाइव डेमो कराया कि हमारा प्रोडक्ट जेन्युइन है और ये बिकने वाला है। और इस बिजनेस से एक नहीं पता नहीं कितने भाई बहनों को रोजगार मिल चुका है, जो लोग इस बिजनेस से लाखों रुपए की कमाई कर पा रहे हैं, वो भी गारंटी के साथ में, ओपन चैलेंज के साथ में। एक नहीं, आपको 1000 एग्जांपल में इस चीज के दे सकता हूं कि हमारे इस प्रोडक्ट से लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि यह प्रोडक्ट क्या है और यह क्यों मार्केट के अंदर इतना ज्यादा बिकता है। आपके सामने इतने सारे व्हीकल्स दिख रहे होंगे, इन सभी व्हीकल्स के अंदर इनके जो टायर्स होते हैं, सभी टायर्स के अंदर ये लिक्विड डाला हुआ है। और ये लिक्विड क्यों डालते हैं, अगर ये लिक्विड आपके किसी भी टायर के अंदर पहले से डला हुआ है, जैसे मैं नॉर्मल सी इस बाइक का ये टायर ले लेता हूँ, इस बाइक के इस टायर के अंदर अगर ये लिक्विड पहले से डला हुआ है तो ये टायर कभी भी पंचर नहीं होगा। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कभी परेशानी में, कभी रात में जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ में जा रहे हैं, अगर आपके बाइक का टायर अगर पंचर हो जाता है, आप किसी भी व्हीकल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नॉर्मल सी बात आप लोगों को बता रहा हूँ, मान लीजिए आप इस बाइक को लेकर के कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर आपका टायर पंचर हो जाता है और वहाँ पर अगर आपको पंचर वाला नहीं मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और आप पंचर टायर को अगर आप कहीं पर भी लेकर के जाते हैं तो आपका टायर ख़राब हो सकता है। इसके साथ में अगर रात में आप किसी भी इमरजेंसी में या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपनी महिलाओं के साथ में कहीं जा रहे हैं, अगर आपका टायर पंचर हो जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर ये लिक्विड आपके टायर के अंदर पहले से हुआ है तो मैं गारंटी देता हूं आपका टायर कभी भी पंचर नहीं होगा। और एक नहीं, अनलिमिटेड पंचर्स को ये ब्लॉक कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता है। और इसके लिए आपको अलग से किसी पंचर वाले के पास में जा करके पंचर के पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे, आपके टायर की हवा भी नहीं निकलेगी और आप जहां भी जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां पे आसानी से जा सकते हैं। सिंपल बात है, मैं आपको पूरा प्रोसेस यहां पे करके दिखा रहा हूं किस तरीके से इस लिक्विड को डाला जाता है और ये किस तरीके से काम करता है। थोड़ा डाल करके दिखाएं, ये आपका टायर होता है, ठीक है। आपके पंचर होने से पहले इस लिक्विड को टायर के अंदर डालना होता है। ये आपका वॉल पिन होता है जिसके थ्रू आपकी हवा इसके अंदर टायर के अंदर जाती है। आपको सिंपली वॉल पिन के थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए अभी टायर की हवा निकल चुकी है। अब टायर की हवा निकलने के बाद में ये लिक्विड होता है और इसके ऊपर एक कैप होती है जो साथ में आती है। आप इस लिक्विड को इस टायर के अंदर डालना होता है। आप चाहे ट्यूबलेस टायर हो चाहे ट्यूब वाला टायर हो, दोनों के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए आपके सामने इस तरीके से जैसे बोतल को प्रेस करेंगे ये लिक्विड आपके टायर के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। जैसे ये लिक्विड टायर के अंदर जाता है, जाने के बाद में सिंपली आपको जो वॉल पिन आपने जो निकाला था इसके अंदर से, उसको वापस से उसके अंदर डाल देना है और उसके अंदर हवा भर देनी है। सिंपल आपको इतना काम करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक नहीं दुनिया भर की कील ठोक करके दिखाऊँगा कि टायर से हवा नहीं निकलेगी। तो सिंपली ये लिक्विड इसके अंदर डल चुका है और अभी इसके अंदर थोड़ा सा घुमाना जिससे कि जो लिक्विड हमने डाला है वो टायर के अंदर राउंड हो जाए, पूरे टायर के अंदर फैल जाए। तो ये घुमा दिया हमने, अब इसके अंदर वापस से जो हमने इसके अंदर से निकाला था वॉल पिन, वो उसके थ्रू हम इसके अंदर हवा भर देंगे। ये देखिए आपके सामने हवा टायर के अंदर जा रही है और बहुत आसानी से आप इसके अंदर हवा भर करके अपने टायर को बचा सकते हैं। देखिए जो वॉल पिन हमने निकाला था वापस से हमने इसके अंदर डाल दिया है वोल्टाई के थ्रू। अब देखिए छोटा सा प्रोसेस होता है, आप कहीं पर भी जा रहे हो, कभी भी जा रहे हो, दिन में जा रहे हो, रात में जा रहे हो, किसी ऑफिस में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो,
आपका टायर कहीं पर भी पंचर हो सकता है, किसी को भी नहीं पता होता कि कब किसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, लेकिन आपके टायर को पंचर होने से बचाता है। मतलब पंचर तो टायर होता है, लेकिन जो ये लिक्विड होता है ना, आपके पंचर को ब्लॉक कर देता है, उस पंचर को तुरंत ख़त्म कर देता है कि आपको पंचर वाले के पास जाना ना पड़े, आपके टायर की हवा ना निकले, उस तरीके से ये लिक्विड हमारा काम करता है। अब इसके अंदर हवा डल रही है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसके अंदर हवा डाल सकते हैं, और ये एक ऐसा लिक्विड है जैसा कि मैंने आपको बताया कि एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन के अंदर मैंने खुद से लाइव डेमो करा है, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया के अंदर 7 देश आते हैं, वहाँ पर मैंने लाइव डेमो करा है, तो ये चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ तो दम होगा। बहुत सारे न्यूज़ के अंदर हमारे नाम आए हुए हैं कि हमारा जो लिक्विड है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज भी हमसे खरीद रही हैं, क्योंकि हम एक बेस्ट क्वालिटी के साथ में काम करते हैं और लोगों को प्रूफ करके दिखाते हैं कि हमारे लिक्विड के अंदर वो क्वालिटी है कि आपकी मुसीबतों को बचा सकता है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपके टायर को पंचर होने से बचा सकता है। मान लीजिए ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, अगर मैं इस गाड़ी को कहीं पर भी लेकर के जा रहा हूँ, अगर मैं मेरी गाड़ी की स्पीड 100, 150, 120, 130 होती है, अगर मेरा टायर पंचर होता है तो गाड़ी अनबैलेंस हो सकती है। अगर गाड़ी अनबैलेंस होगी तो सामने और भी व्हीकल्स होंगे, पीछे भी और व्हीकल्स होंगे, पता नहीं कितनी बड़ी दुर्घटना मेरे साथ हो सकती है। तो इस वजह से मैंने खुद अपनी गाड़ी में वो लिक्विड डाल रखा है जिससे कि कहीं पर भी पंचर हो जाए तो उससे मेरे को बचा जा सके और मेरी गाड़ी अनबैलेंस ना हो और मेरा पंचर तुरंत पंचर मुक्त हो जाए। अब देखिए आपके सामने ये लिक्विड हमने डाल दिया है, पूरा प्रोसेस हमारा इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने ये देखिए, ये पूरे कील्स लगे हुए हैं, ये आपके सामने हैं प्रॉपर तरीके से, आप देखना दुनिया भर के कील्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर मैं इस गाड़ी को चढ़ाऊँगा, इसके टायर को चढ़ाऊँगा, इसके अलावा अगर आप चाहोगे तो मैं इसके अंदर और भी बाहर से कील ठोक करके भी आपको दिखाऊँगा, तो पूरा प्रोसेस करके दिखाएं। देखिए इधर आएँ, थोड़ा कैमरामैन इधर आएँ और इधर से दिखाएँ, थोड़ा थोड़ा मारे इस पर, ये देखिए आपके सामने पकड़ के रखो, ये देखिए इतनी सारी किल्स एक साथ इस टायर के अंदर घुस चुकी है। अब इसको निकालो, देखिए टायर की हवा निकल रही है, और डालो अभी कोई दिक्कत नहीं है, और भी डालो, तो टायर को फ्री करो, हाँ आप और डालो। ये देखिए आपके सामने, वहाँ पे हमने इतनी सारी कील्स ठोकी हैं, अब दोबारा से हमने वो उतनी कील्स वापस से इस टायर के अंदर ठोक दिए आपके सामने, देखिए ये देखिए, और डालो और निकालो, हाँ अब फिर से डालो। इतनी जगह पे आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कितने सारे पंचर्स हमने इस टायर के अंदर करे हैं। देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी टायर की हवा निकलने की, अभी सारे के सारे पंचर्स ब्लॉक हो जाएंगे, अचानक से ब्लॉक हो जाएंगे। इतना बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हमने बनाया है कि जो कोई धरती के ऊपर कोई पैदा नहीं हुआ जो हमसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकता है, क्योंकि जो फॉर्मूला हमें पता है वो किसी को भी नहीं पता है। वापस और डाल के दिखा दें, एक बार और डाल के दिखा दें, हमारी ऑडियंस को सारी चीज़ें दिखनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, हाँ फिर से डालें। ये देखिए आपके सामने किस तरीके से कीलें डाली जा रही हैं, ये देखिए थोड़े की सहायता से, ये देखिए। अब सोचिए हमने इस पूरे टायर के अंदर इतने सारे पंचर्स कर दिए हैं, ये देखिए लिक्विड निकल रहा है, ये लिक्विड आपके सामने निकल रहा है, देखिए थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये देखिए लिक्विड निकल रहा है ना भी आपके सामने, पानी की बोतल भी लेकर के आना। अब इस टायर को घुमाओ, थोड़ा घुमाओ, प्रॉपर तरीके से घुमाओ पहले, जैसे ये राउंड होगा ना टायर आपका चलता रहता है, क्योंकि आप पंचर होता है तो टायर तो चलता ही रहता है ना, तो अब ये राउंड होता रहेगा आपका पंचर ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। अब देखिए आप खुद से देख सकते हैं कि कहीं से भी आपको अगर झाग दिख रहे हैं आप, तो कहीं से भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा पंचर हो रहा, देखिए और नीचे लेकर के हर जगह पे दिखा दीजिए। इतने सारे पंचर्स होने के बाद में हमारा टायर वैसा का वैसा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, और आपके सामने एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 पंचर्स हमने यहाँ पे ठोक करके दिखाए हैं। सोचने की बात है, इतने पंचर्स होने के बाद भी आपका टायर सेफ है, ये इससे बेटर चीज़ आप लोगों के लिए क्या हो सकती है। अगर आपका ट्यूबलेस टायर है, घटिया से घटिया टायर हो, वो सही साला कूड़े के अंदर पड़ा हुआ क्यों ना हो, आप उसको भी लेकर के आए, उसके अंदर भी आपके पंचर्स को हमारा लिक्विड ब्लॉक कर सकता है, वो भी गारंटी के साथ में ब्लॉक कर सकता है। जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें वीडियो के अंदर बताई हैं, ये लिक्विड होता है किस तरीके से काम करता है, हर एक चीज़ मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताई है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे कि हमारी कंपनी ने आपको बताया जो प्रोसेस, जो सबसे पहले हमारी बात होती, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहली बात तो ये है
ये एक एंटी टायर पंचर सॉल्यूशन, एक लिक्विड होता है, एक जेल बेस लिक्विड होता है। इसको आपको पंचर होने से पहले आपके टायर के अंदर डालना होता है। ऐसा वेट नहीं करना कि पंचर होगा तब आपको डालना है। जब आप इसको परचेज करते हैं उसी टाइम आप अपने टायर के अंदर इस लिक्विड को डाल लीजिए। उसके बाद अगर कोई भी पंचर होता है तो आपके पंचर को इंस्टेंट हमारा जो ये लिक्विड है ब्लॉक कर देता है। मतलब कि आपको टायर के अंदर पहले ही इस लिक्विड को डालना होता है, उसके बाद आप एक जगह से दूसरी जगह राउंड कर सकते हैं, जा सकते हैं, आपका टायर पंचर नहीं होगा। ठीक है, ये लिक्विड इस तरीके से काम करता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि जब पंचर होता है तब डालना होता है, कि नहीं भाई जब पंचर ही हो गया तो फिर बात तो वही होगी ना कि पंचर वाले के पास आपको जाना पड़ेगा। ज़रूरी थोड़े थे पंचर वाला आपको हमेशा मिले। वही चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्लियर है कि टायर के अंदर पहले से आप लोगों को डालना होता है। दूसरी बात, हम इसकी मार्केटिंग कहाँ पर कर सकते हैं, कैसे हमारा मेटल ज़्यादा से ज़्यादा बिक सकता है। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एक पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए एक नहीं दुनिया भर के हज़ारों व्हीकल्स एक दिन के अंदर आते हैं। एक दिन के अंदर हज़ारों व्हीकल्स आते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे एक छोटा सा एक कैनोपी लगाना है और एक बंदे को वहाँ पे बिठाना है जिसकी सैलरी आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो वहाँ पे एक बंदे को बिठाना है और एक स्टेप नहीं लेनी इस तरीके से। चाहे तो अपने खुद के टायर के अंदर आप डेमो दिखा सकते हैं, ना तो एक स्टेप नहीं खरीद सकते हैं और वहाँ पर आप इस लिक्विड को डाल करके उनको कीले ठोक करके उस चीज़ का डेमो दिखा सकते हैं। एक बंदे को आपको पेट्रोल पंप के ऊपर बिठाना है और वहाँ पे दुनिया भर के व्हीकल्स आते हैं। आपकी कैनोपी के ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी कि आज के बाद कभी भी आपका टायर पंचर नहीं होगा। तो हज़ारों में से 20-30-50 लोग आपके पास ज़रूर आएंगे। वो पूछेंगे कि सर कैसे आप हमारा टायर पंचर नहीं हो सकता, तो आप उनको बताएंगे कि इसके अंदर हमने ये लिक्विड डाला है और एक लिक्विड डालने के बाद में आपका टायर पंचर नहीं होगा। आप उसको प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखा सकते हैं कि इस तरीके से हमने प्रैक्टिकल करा है और इस तरीके से आपका टायर पंचर नहीं होगा। अब उसमें से अगर मैं एक पेट्रोल पंप की बात करता हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, अगर आपको एक पेट्रोल पंप के ऊपर 10 लोग भी मिल जाते हैं ना, तो ये समझ लो 1,00,000 रुपये प्लस महीना कमाई सिर्फ एक पेट्रोल पंप आपको देगा। कम से कम की बात मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम की बात। अब एक ज़िले के अंदर एक बंदे को हम डीलर बनाते हैं, सिंपल सी बात है। एक ज़िले में सिर्फ एक बंदे को डीलर बनाएंगे। एक ज़िले के अंदर कितने सब डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, मतलब कि तहसील्स होती हैं, तो हर जगह पे कितने सारे पेट्रोल पंप्स होंगे वो चीज़ आप लोगों को पता होगा। सभी पेट्रोल पंप्स के ऊपर आप अपने बंदों को लगा सकते हैं, अपने बंदों को जोड़ करके सैलरी बेस पे या कमीशन बेस पे उनको बिठा सकते हैं, उनसे मार्केटिंग करवा सकते हैं। आप अपने घर पे बैठे हो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको उन बंदों को वो चीज़ें समझानी है। मार्केटिंग का तरीका मैंने आपको बताया कि आपको मार्केटिंग इस तरीके से करनी है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में माल बेचना है, अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, तो इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, मॉल्स वगैरह होते हैं, या पर जो भी किसी भी जगह पे जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है ज़्यादा, वहाँ पर आप एक कैनोपी लगा करके एक स्टेपनी लेकर के एक बंदे को वहाँ पे बिठा सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी बिठा सकते हैं और आप पेट्रोल पंप पे भी बिठा सकते हैं, वो ऑप्शन। तीसरा, आपके सामने पंचर वाले आते हैं, जो लोग पंचर्स को निकालते हैं, जिनकी पंचर की शॉप होती है, टायर की शॉप होती है। तीसरा, वहाँ जा कर के आप उन लोगों को बता सकते हैं कि सर मैं आपको इतने रुपए में ये प्रोडक्ट दूंगा, आप देख लीजिए, अगर आपको मुनाफा होता है तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। आप उनको लाइव डेमो उस चीज़ का दिखा सकते हैं। तीन, आपके मार्केटिंग के ऑप्शन है कि आप इस तरीके से कंपनी की मार्केटिंग कर सकते हैं। दो पैसे आपको बचेंगे तो दो पैसे कंपनी को बचेंगे। अब बात करता हूँ कंपनी आपके माल को कैसे सेल करवाएगी। देखिए दोस्तों, जैसे आप अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, किसी यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे, द इंडियन स्टैक देख रहे होंगे, या फिर हेमंत यादव बिजनेस आइडियाज़ पे देख रहे होंगे, या फिर हेमंत यादव फेसबुक पे आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, किसी भी चीज़ पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी तो कहीं ना कहीं से उस वीडियो को देख कर ही हमारे पास कॉल कर रहे होंगे। इसी तरीके से हम आपको प्रमोट करेंगे, अगर आप हमारे डीलर बनते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, हम आपको वहाँ पे प्रमोट करेंगे कि सर, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, इधर आओ, मान लीजिए ये लड़का है, ठीक है, ये कहीं का भी मान लीजिए राजस्थान में जयपुर का डीलर बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा,
मैं इनसे इनके साथ में जैसे मैंने ये वीडियो बनाया इस तरीके से मैं इनके साथ ही वीडियो बनाऊंगा। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं ये मेरे को बताएं। सर मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। आपने कहाँ की डीलरशिप ली है? सर मैंने जयपुर की ली है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर कोई भी व्यक्ति जयपुर का रहने वाला है तो डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट करें, हम आप ही का नंबर देंगे जो हमारा डीलर है। जैसे अगर ये हमारे जयपुर के डीलर बन जाते हैं तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर ही दूंगा। मेरे पास कोई भी जयपुर से कॉल आएंगे तो सभी कस्टमर्स को इनका कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। उससे क्या होगा, जो माल आपने कंपनी की डीलरशिप ली है, हम कंपनी की डीलरशिप तो हमारी ली है ना, प्रोडक्ट तो हमारी कंपनी का है। अगर वो मेरे थ्रू बिके चाहे इनके थ्रू बिके, अगर इनके थ्रू बिकता है तो दो पैसे कमाई इनको भी ज़्यादा होगी, माल तो कंपनी का जा रहा है। तो कहने का मतलब सिंपल इतनी बात है, अगर इन्होंने जयपुर की डीलरशिप हमसे ले ली, अगर जयपुर ज़िले के अंदर कोई भी कोल्स हमारे पास आएंगे तो सारे के सारे कोल्स हम इनको देंगे। जिससे क्या होगा कि इनका माल सेल होगा और इनके साथ भी और बंदे जुड़ेंगे, और भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ये और भी ज़्यादा कमाई कर पाएंगे। क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म्स खुद के हैं, कोई भी कंपनी आपको इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट करके नहीं देती है। क्योंकि किसी कंपनी के पास में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारी कंपनी के पास में वो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम आपको एडवर्टाइजमेंट करके देते हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर आप किसी और कंपनी से जुड़ते हैं किसी भी कंडीशन में तो वहाँ पे उनके पास में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता है। वो आपके माल को बिल्कुल भी सेल नहीं करवाएगी क्योंकि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। हमारे पास प्लेटफॉर्म है हमारे चैनल के नाम से, द इंडियन स्टैक के नाम से हमारी कंपनी का ये लिक्विड है। तो सोचने की बात है, हमारे खुद का प्रोडक्ट है, हमारे खुद के पास में एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑप्शंस हैं, सोशल मीडिया हमारा खुद का है जहाँ पे हमारे मिलियंस फॉलोवर्स हैं। तो वहाँ पर हम आप लोगों को प्रमोट करेंगे जिससे आपका माल कई गुना ज़्यादा सेल होगा। तो इसलिए कंपनी ने आपको बोला है कि अगर आप हमारे ज़िले के डीलर बनते हैं तो वहाँ पर कंपनी आपके प्रोडक्ट को सेल करवाएगी। जितने भी कॉल्स उनके पास आएगी सभी के सभी कॉल्स आप लोगों को देगी। तो वहाँ से आपको एक बेनिफिट हो गया। बाकी जैसा कि मैंने इससे पहले आपको मार्केटिंग का तरीका बताया, वो तरीके से अगर आप काम करते हैं तो वो आपके लिए एक अलग फ़ायदे वाला हो गया और ये हमारी कंपनी की तरफ से आप लोगों को एक बेनिफिट हो गया। दो चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों के सामने कि कंपनी ने आपको बोला कि 5 लाख रुपए सैलरी देगी और इसी के साथ में आपकी 3 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाई होगी। तो वो ऑप्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1 करोड़ रुपए कमाई आपकी तब हो सकती है। ये लिक्विड आपको एक MRP के ऊपर मिलेगा, आप कॉल करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अभी अगर मैं कॉल आप नहीं करोगे, अगर मैं आपको वीडियो के अंदर बता दिया फिर आप किसी को बेचेंगे, अगर उसको चीज़ें पता चल जाएगी तो आपका प्रोडक्ट सेल करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ मैं आपको कॉल करके, जब आप हमारे पास कॉल करेंगे, अगर आप हमारे डीलर बनेंगे तो इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊं कैसे आप 3 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर मैं सारी चीज़ें ओपन कर दूंगा तो आप लोगों के लिए नुकसान है, बाकी मेरी तरफ से आप चाहो तो मैं भी ओपन कर सकता हूं। लेकिन मुझे पता है कि मेरे डीलर्स को बेनिफिट होना चाहिए, तो अगर आप डीलर बनेंगे तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि 3 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ, 5 लाख रुपए सैलरी आप लोगों को मिलेगी 3 महीने की। वो सैलरी तब मिलेगी जब आप 3 महीने के अंदर 10,000 लीटर, ये मटेरियल जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मटेरियल 10,000 लीटर मटेरियल अगर आप 3 महीने के अंदर सेल कर देते हैं तो कंपनी आपकी जो कमाई हो रही है 1 करोड़ रुपए वो आपकी अलग है, इसके साथ में 5 लाख रुपए कंपनी आपके लोगों को सैलरी देगी। समझ आ रही है आप लोगों को? 3 महीने के अंदर आप लोगों को 10,000 लीटर माल सेल करना है। अगर आप इतना करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट है। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख कुछ तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा, वो तो आपका बेनिफिट अलग हो गया। लेकिन जो कंपनी आपको बता रही है ना कि 5 लाख रुपए सैलरी भी देगी, तो उसके लिए आप लोगों को 10,000 लीटर माल 3 महीने के अंदर सेल करना है। वहाँ पर आपको कंपनी 5 लाख रुपए की सैलरी देगी, गारंटेड देगी, ठीक है। हमारा पॉइंट क्लियर है कि हमने जो बताया कि 3 महीने की सैलरी 5 लाख क्यों मिलेगी अगर आप 10,000 लीटर माल 3 महीने के अंदर सेल करते हैं। तो अगर आप 10,000 लीटर माल 3 महीने के अंदर सेल कर देते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए का
इस प्रोडक्ट से बेनिफिट भी होता है 1 करोड़ रुपए का। इसके साथ में आपकी सैलरी, आपके बंदों की सैलरी कंपनी आपको दे रही है, ये चीज़ है। अब इसके अलावा हमारी कंपनी ने आपको ये भी बोला था कि माल ना बिके तो आप हमें वापस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने हमारी कंपनी की डीलरशिप ले ली, अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो माल कैसे बिकेगा? आप मार्केट में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे, तभी तो आपका मटेरियल सेल होएगा ना। एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तभी आपका मटेरियल सेल होगा। अगर आपका माल सेल नहीं होता है तो कंपनी वापस लेगी। उसकी कंडीशन ये होती है, 3 महीने तक आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कंपनी को भेजनी होगी 10 घंटे की, कि आपने एक दिन में 10 घंटे काम करा है और आपका माल सेल नहीं हुआ है। 10 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेजनी है। अगर आप 3 महीने तक आप 10 घंटे की रिकॉर्डिंग भेजते हैं, अगर आपका माल सेल नहीं होता है तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा और आप कंपनी का प्रोडक्ट कंपनी को वापस दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिज़नेस को कितने रुपए से शुरू किया जा सकता है। अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट, जो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है, 55,000 रुपये का लगेगा। इसके लिए जो डीलरशिप का एग्रीमेंट का किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आप अगर 55,000 रुपये दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको 50,000 रुपये का पूरा ये मटेरियल मिलेगा। 5,000 रुपये आपके डिलीवरी चार्ज जो होते हैं वो लगेंगे। अगर आप खुद से लेकर के जाना चाहते हैं तो आपके 5,000 रुपये बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अगर आप कंपनी के डीलर बनते हैं तो 55,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें 50,000 रुपये का आपको ये मटेरियल मिलेगा, 5,000 रुपये आपके कोरियर चार्ज लगेंगे। अगर आप खुद से लेकर के जाना चाहते हैं तो कोरियर चार्ज 5,000 रुपये माइनस हो जाएगा, 50,000 रुपये का आपको पूरा का पूरा माल मिलेगा। डीलरशिप के लिए कोई पैसा आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं एज ए सिक्योरिटी आपसे 2-4 लाख रुपये 5 लाख रुपये ले लेते हैं, हमारी कंपनी आपसे 1 रुपये भी नहीं लेती है, ठीक है। अगर आपके पास में इतना बजट नहीं है तो आप कंपनी से मिनिमम 10,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 20,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंपनी जो बेनिफिट दिखाए कि आपके प्रोडक्ट को सेल करवाएगी, वो सारी चीज़ें करवाएगी, आपको एडवर्टाइजमेंट करेगी, वो सारी चीज़ें बेनिफिट नहीं मिलेंगे, वो बेनिफिट सिर्फ डीलरशिप में मिलेंगे। आप वैसे बिजनेस को करना चाहते हैं तो 10,000 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं। डीलरशिप से करेंगे तो आपका माल, मेरे हिसाब से तो 5 से 10 दिन का समय लगता है माल को सेल होने में, ज़्यादा से ज़्यादा कोई नया बंदा है तो। आप धीरे धीरे उसके अंदर एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, तो आपका 1 दिन के अंदर पूरा डीलरशिप का माल बिक जाता है। ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है। एक बच्चा 1 दिन में पैदल चलने नहीं लग जाता, उसको भी थोड़ा समय लगता है पैदल चलने के लिए, ठीक है। अगर आप नए बिजनेस के अंदर शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि मैं 1 दिन में करोड़पति बन जाऊं, साहब वो सपने दिखाने वाली बातें होती है। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। 2 कदम आप चलोगे तो 10 कदम हमारी कंपनी आपके साथ में चलने के लिए तैयार है, ये हमारा वादा है और ये हमारा स्लोगन भी है। 2 कदम आप चलो, 10 कदम हम चलेंगे, ये हमारा वादा आपके साथ में रहा और लाइफ टाइम तक रहा, जब तक आप हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में बिजनेस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को टाइमिंग बता देता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप सुबह 10 बजे से पहले या शाम 5 बजे बाद में कॉल कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप कर रहे हैं तो शायद आपको उसका रिप्लाई ना मिले, लेकिन अगले दिन ज़रूर मिल सकता है, या फिर नेक्स्ट डे आप उसी टाइम पीरियड के अंदर दोबारा कॉल कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ हमारी कंपनी का एड्रेस। हमारी कंपनी बहरोड राजस्थान, पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट अलवर लगता था, अभी हमारा कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट बन गया है राजस्थान के अंदर। कोटपुतली बहरोड हमारा डिस्ट्रिक्ट है, बहरोड BEHROR, अगर आप गूगल मैप पर डालेंगे तो आपको बहरोड राजस्थान की लोकेशन मिल जाएगी। हम गूगल मैप का आपको लोकेशन भी दे देंगे, कॉल करेंगे तो आपको डायरेक्ट कंपनी का लोकेशन भी, लाइव लोकेशन भी हम आपको भेज देंगे। बहरोड राजस्थान के अंदर हमारी कंपनी है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, लाइव डेमो खुद से देख सकते हैं, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देख सकते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप तुरंत भरोसा करें, आप विजिट करके सारी चीज़ें देख करके उस चीज़ के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आप विजिट कर सकते हैं, आपके रहने और खाने की व्यवस्था हमारी कंपनी की तरफ से हो जाएगी। अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है,
आप आएँ, विजिट करें। आप लोगों का हमारी कंपनी हार्दिक दिल से स्वागत करेगी, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि राजस्थान वाले स्वागत करने के लिए हमेशा से तैयार थे, बहुत पहले से तैयार थे। हमारे पूर्वज भी वो करते थे, आज हम भी वो चीज़ें करते हैं। आप आएँ, देखें सारी चीज़ें, समझें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।